देखिए, थाना शंकरगढ़ के एक गांव घोरहे कल्याणपुर से आज प्रातःकाल एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, उनका नाम है बिहारी लाल, इनकी संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला है इनके घर के बाहर ही। तत्काल इस सूचना पर थाना प्रभारी शंकरगढ़ और क्षेत्राधिकारी 12 ये लोग फील्ड यूनिट के साथ पहुँचे और वहाँ पे जो भी साक्ष्य से उनका संकलन करना चालू किया। इसी बीच किसी अन्य जो भी हम वहाँ पे गवाह थे गांव के, उन लोगों द्वारा ये बताया गया कि गांव का एक व्यक्ति है लाल बहादुर, उससे अगर बातचीत की जाए तो उसको इस घटना के बारे में जानकारी हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका कम है और पहले भी उसने गांव के लोगों के साथ उग्र व्यवहार रखा है। इस सूचना पर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट में मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सकेगा। घटना स्थल निरीक्षण से ऐसा लगता है कि किसी धारदार हथियार से प्रहार करके इनकी मृत्यु कर दी गई है। जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है और जो वादी पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर लेके अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है। बहुत जल्द जो भी इसमें कारण निकल के आता है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सर, हत्या कारण क्या हो सकता है, कुछ पता चला? अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है स्थानीय पुलिस द्वारा, उसमें जो अभियुक्त है उसने ये बताया है कि वो कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसका, स्वयं भी इस बात को कबूल रहा है। और गांव घर के बाहर वो शौच कर रहे थे जब मृतक, ये भी वहीं पर शौच करने के लिए गया था और उनके द्वारा आपत्ति की गई कि मेरे दरवाजे पर शौच आप मत करिए। इस बात पर नाराज़ होकर के उसने वहीं पर रखे एक धारदार हथियार से प्रहार कर दिया। इतनी बात अभी तक इसने बताई है और गहनता से पूछताछ चल रही है।